इस विजेता का फैसला करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कुंदन जी। कुंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस कहानी प्रतियोगिता में बतौर जज शामिल होने का हमारा निवेदन स्वीकार किया। कुंदन जी का थोड़ा परिचय देना चाहूंगी। कुंदन जी बिहार के बेगूसराय के निवासी हैं। वो एक मशहूर अधिवक्ता हैं, समाज सेवी और साहित्यकार हैं। उन्होंने MA LLB में अपनी पढ़ाई पूरी की और बिहार में चलने वाले कार्यक्रम महिला समाज के कार्यक्रम में काम करने का उन्हें बहुत लंबा अनुभव है। वो प्रगतिशील लेखक संघ बेगूसराय की जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं। झारखंड की सुबह की धूप पत्रिका, एजुकेशनल न्यूज पटना, द ग्राम टुडे में कई ऐसी पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित हुए, और स्पेशली कोरोना काल से उन्होंने साहित्य में अपना योगदान देना और पुरजोर तरीके से शुरू किया है। महिला मुद्दों से उनका खास जुड़ाव है, और इस उनकी जो रचनाएं हैं वो उनके सुलझाव को बहुत अच्छे से दिखाती हैं। 1 बिलियन राइजिंग कैंपेन के अंतर्गत अभी हमारा वीडियो कैंपेन भी चल रहा था, जहां पर आखिरी में कुंदन जी की ही कविता के साथ हमने उस कैंपेन का समापन किया है। अब हम कहानी प्रतियोगिता शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत खुश भी हूँ कि आप सभी महिलाओं और किशोरियों ने खुलकर हिस्सा लेने का सोचा है और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने का सोचा है। तो मैं एक एक करके प्रतिभागियों को इनवाइट करूंगी। तो सभी प्रतिभागी, जब भी जिसका नाम लिया जाए, वो अपना एक बार नाम और एक दो लाइन में अपना परिचय जरूर दे, और उसके बाद अपनी कहानी कहें। तो कहानी के लिए आपको 3 से 5 मिनट का समय दिया जा रहा है। जैसे ही 4 मिनट होंगे तो मैं चैट बॉक्स में लिख दूंगी कि आपके पास 1 मिनट बचा है, और 5 मिनट होने पर मैं उसे रोक दूंगा। सबसे पहले मैं बिहार से नीतू कुमारी जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अपनी कहानी हम सबके साथ साझा करें। सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीतू कुमारी है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। मैं आकांक्षा सेवा सदन से जुड़ी हूँ। मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो मुझे बहुत शौक था कि मैं मैट्रिक कर चुकी थी और 2000 में मैंने मैट्रिक किया, तो मुझे पढ़ाई करने का शौक था। तो मैं जब रेगुलर पढ़ाई करना चाहती थी तो मेरे मम्मी पापा के पास उतनी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए मैंने मैट्रिक करके ही छोड़ दिया। और आगे ये जब मैट्रिक के बाद जब मेरी शादी हो गई तो मैं जब यहाँ अपने ससुराल आई तो यहाँ भी मुझे पढ़ाई के लिए कोई कोई इन्वॉल्व नहीं था कुछ भी, मतलब चाहते ही नहीं थे कि हाँ हम पढ़ाई करें। मतलब यहाँ पे गांव गांव था, इस तरह से इस माहौल में था कि जो वहाँ पे लोग मतलब घर में भी कुछ पढ़े लिखे भी नहीं थे, ऐसी स्थिति थी। तो मैं बहुत कोशिश की पढ़ने के लिए, लेकिन मैं फिर भी कोशिश नहीं हारी, मैं लगी रही पढ़ाई के लिए। तो मुझे 10 साल के बाद मुझे पढ़ाई करने के लिए मिला। 2010 में मैं इंटर में एडमिशन ली और इंटर के बाद मुझे फाइनल ग्रेजुएशन तक मैं रेगुलर पढ़ी, और उसके बाद फिर मैं घर में ही बैठ गई। जबकि मुझे शौक था पढ़ाई का, तो मेरे घर वाले ही नहीं चाहते थे कि कोई काम करे या कुछ भी करे। तो मैं जब घर से निकलना भी चाहती थी तो मुझे निकलने के लिए नहीं मिला। मतलब मुझे इस तरह से घर में पढ़ाई के बाद कैद कर दिया गया कि जो कैद कर दिया गया कि जो कभी भी मतलब ये निकल ही ना पाए घर से। तो मुझे घूंघट में ही रखा जाता था और मैं मतलब बाहर का कुछ हमको देखने के लिए भी नहीं मिलता था। तो मैं आकांक्षा सेवा सदन से एक मैम आई, जो मैं घर में ही थी, तो वही बोली क्या कि जो आई तो बोली कि इस घर में कोई बहू रहती है क्या। तो हम निकले भी नहीं थे, मतलब हम पर्दे के भीतर ही थे, तो हम पर्दे के भीतर से ही देख रहे थे। और मुझे शौक था कि मैम से मिले, तो बोले क्या कि जो ये भीतर है तो इच्छा से आप अपनी बहू को निकालिए। तो वो मैं निकली और निकल करके जब आई तो पूछी मैम क्या है, तो बोले कि कहाँ तक पढ़ रही हो, तो हम बोले मैम ग्रेजुएशन की। तो क्या आप बाहर निकलना चाहते हैं? तो मैं मुझे शौक है लेकिन मेरे घर वाले नहीं चाहते हैं निकलने के लिए, मेरे हस्बैंड भी नहीं चाहते हैं निकलने के लिए। फिर भी मैंने कोशिश नहीं हारी। तो बोली क्या
तुम इस संस्था से जुड़ना चाहती हो? तो हम बोले कि जी मैम, मैं जुड़ना चाहती हूँ, मैं भी अपने पढ़ाई, मतलब इसके जरिए मैं पढ़ाई रेगुलर भी रहेगा और मेरा नॉलेज भी कुछ बढ़ेगा, तो मैं इस संस्था से जुड़ी। और संस्था से जुड़कर मैं संस्था से भी जब जुड़ी तो मेरे हस्बैंड भी इनकार हो गए, कहे कि जी नहीं, घर से नहीं निकलना है। तो फिर भी मैं कोशिश नहीं हारी और मैं संस्था से जुड़ने के बाद मैं निकली। और मेरे पति, जब मेरे पति भी नहीं कमाते थे, मतलब हमेशा घर में ही रहते थे वो, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि मैं कुछ कर भी नहीं पाती थी। मैं संस्था से जुड़ने के बाद ही मैं कुछ कर पाई हूँ। और मैं अपने पति को, अपने अपने पति को दुकान करके और उन दुकान में मतलब रोजगार करने के लिए उन्हें जागरूक की हूँ, जो अभी वो अपने पैर पे खड़े हैं। और मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, जो कि मेरे 3 बच्चे हैं, एक इंटर है और एक 10th है और एक 8th में है, जो कि मैं अपनी आर्थिक आर्थिक आमदनी के कारण मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरे पति उतना नहीं कमा सकते, इसलिए ये दोनों मिलकर ही अपने परिवार को हम चला रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद नीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपनी कहानी शेयर करने के लिए। अब हम उषा अग्रवाल जी को आमंत्रित करते हैं। सभी को नमस्ते, मेरा नाम उषा है, मैं महोबा जिले से हूँ। इसी तरह मेरी भी कहानी है, जब मैं जो मेरा बचपन था वो इसी तरह बीता है। एक एक बोल सकते हैं ना कि जैसे उच्च जाति वाले होते हैं तो बहुत ज्यादा पाबंदी में लगा के रखते हैं। तो जो मेरी माँ थी, तो माँ पिताजी नहीं थे, और पिताजी की अनुकंपा में नौकरी मेरी माँ को मिली हुई थी, जिसमें मेरी माँ हम लोगों को पढ़ा लिखा रही थी। हम लोग 5 भाई बहन थे तो हम सबको पढ़ा लिखा रही थी। लेकिन उसी समय जो हमारे दादा लोग दादा थे, उन्होंने यही सब चीजें बोले कि नहीं, लड़कियों को क्या करना है पढ़ा के, लड़कियां पढ़ लिख के क्या करेंगी। लेकिन जहां तक हम लोगों का माँ का सपोर्ट था, तो वो उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। मुझे जो शौक था बहुत ज्यादा कि मैं टीचर बनूं पढ़ लिख कर। लेकिन शायद हम लोग जो आज जानकारी दे रहे हैं लड़कियों को, वो शायद जानकारी हमें स्वयं में नहीं थी कि हमें इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहिए। मेरी भी शादी कम उम्र में हो गई थी, मैं 17 साल की थी जब मेरी शादी कर दी गई थी। और मैं ऐसे परिवार में आई थी जहाँ पर बहुत ज्यादा पाबंदियां थी, घर से बाहर नहीं निकलना, कोई याद आता है तो घूंघट में रहना है, किसी से बात नहीं करना है, पति का कहना मानना है, सास ससुर के का आदर सम्मान करना है। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को इस तरह से समझाया गया और बताया गया। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि कभी कभी स्थितियां इस तरह से आ जाती हैं कि यकायक हम लोगों का जो परिवार में हम लोगों का काम चल रहा था वो एकदम से हम लोगों को नुकसान पहुंच गया और हमारी स्थिति थोड़ा सा एकदम कमजोर हो गई। फिर हमने कहा कि हम कुछ करना चाहेंगे, हम बाहर निकलना चाहेंगे। तो यही हुआ जो हमारी सास ससुर थे कि नहीं, हमारी घर की बहू है, घर से बाहर नहीं निकल सकती। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि घर में चाहे हम भूखे बैठे रहे, हमारे पास कुछ ना हो, पर बहू है पाबंदी में रहे। पितृसत्ता सोच इतनी ज्यादा थी कि वो निकलने नहीं थे। और साथ में जो जो था कि अगर परिवार के लोग मना कर रहे थे तो पति का भी हमारा कोई सहयोग नहीं मिल पाता था। पति भी उन्हीं के कहने में चलते थे कि जो अगर हमारे पिताजी कह रहे हैं वही फैसला है, घर के अंदर रहो घर से बाहर नहीं। लेकिन मेरी जो सोच थी कि मैं ऐसे नहीं रह सकती, मेरे दिमाग में एकदम ऐसे चलता था कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं बाहर क्यों नहीं निकल सकती। तो मैं घर में फिर भी लड़ाई झगड़ा जो भी होते रहते थे मैं बाहर निकल जाती थी। मैंने एक प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन किया और जब मैं यहाँ से जाती तो मोहल्ला के लोग भी इसी तरह से बोलते कि लो इनकी बहू तो पढ़ाने जाने लगी है और ये पता नहीं क्या करती है क्या नहीं करती है। पर मुझे इन सब चीजों की परवाह नहीं थी कि लोग क्या कहते हैं। घर में भी मैं जब लौट के आती थकी हारी तब भी यही सब सारी चीजें सुनने को मिलती, पर मैंने उन सब चीजों को अवॉइड किया और मैं नहीं मानती थी कि ये सब चीजें जो भी हो रहा है मुझे अपने मन का करना है। फिर मैं इसी तरह एक कार्यक्रम हुआ था ग्रामोन्नति संस्थान, जो यहाँ पर ग्रामोन्नति संस्थान में इस समय मैं कार्यरत भी हूँ, मैं एक प्रोग्राम में उनके गई थी। एक महिला जो 8 मार्च को हम लोगों का महिला दिवस कार्यक्रम होता है, जब मैं उस कार्यक्रम में शामिल हुई तो मुझे
वास्तविक पता चला कि हम लोग जिस दौर से गुजर रहे थे वो हमारे साथ ही हो रहा है। वही जेंडर भेदभाव, पितृसत्ता, हिंसा मेरे साथ खुद हो रही थी। मैं उस कार्यक्रम में शामिल हुई। उसी समय कल्पना खरे जी से भी मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे अपनी बात भी रखी। फिर उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं वहां पर काम करने लगी महिला मुद्दों पर। और जब मैंने सब चीजों को देखा तो मैं इस सब चीज, जेंडर भेदभाव, इन सबको तोड़ने का प्रयास किया। और जो लड़कियां थी वही मैं समझाना चाह रही थी कि जो मेरे साथ हुआ तुम लोग भी इन चीजों को जान पाओ ताकि इन सब चीजों से बाहर निकल पाओ। तो मेरी कहानी में भी मैंने बहुत जेंडर भेदभाव, हिंसा को वो किया। और आज भी मेरे पति का मेरे ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है। मैं अपने मेरे दो बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों का पालन पोषण, मैं उनको अच्छे से अच्छे एजुकेशन देना चाहती हूँ कि वो अच्छे से पढ़ लिख पाए और आगे बढ़ पाए, अपनी जिंदगी एकदम फ्रीडम वो लोग गुजार पाए। तो ये मेरी कहानी थी। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद उषा जी। मैं इनवाइट करना चाहूंगी सीमा देवी जी को। सीमा जी, आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सीमा है और आकांक्षा सेवा सदन से जुड़े हुए हैं और मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाली हूँ। 2017 2016 में जब इलेक्शन हुआ था तो उस समय हम वार्ड मेंबर बने थे। जब बने तो घर से बाहर नहीं निकलने देते थे कि तुम नहीं जाओ उस घर में, जाओगी तो तुम मेरा सर नीचे हो जाएगा। हम कहते थे कि जब हम जीते हैं तो खुद हम अपने पैर पर खड़ा होके महिला सबको काम कराएंगे और लड़की जो होती है वो हमसे बात करेगी, महिला बात कर पाएगी, आप लोग से क्या बात करेंगे। तो वो बोलते थे कि नहीं, तुमको जाना नहीं है, नहीं जाना है, हम खुद से ही काम कर लेंगे। तो हम जब पेपर आता था साइन करने के लिए तो हम साइन नहीं करते थे कि आप गए हैं तो आप साइन कीजिए, हम क्यों करेंगे साइन, हम इस मुद्दा को जानता ही नहीं हूं तो क्यों करेंगे साइन, हम साइन नहीं कर पाएंगे। तब जाके 2017 में वंदना जी जब आए हमारे घर पर कि हमारे संस्था में जुड़िए और कुछ महिला मुद्दा पर काम करना है चलिए, तो वो बोले कि नहीं नहीं जाना है। तो हम खूब झगड़ा लड़ाई किए और अपना बैग पैक किए और बनारस गए ट्रेनिंग में। तो हुआ भी हम लोग सुने कि महिला मुद्दा पर काम हो रहा था तो शायद हमको भी लगा कि हमको भी करने का जरूरत है काम। जब हम जुड़े उसमें ट्रेनिंग लिए तब जाके हमको समझ बनी कि जेंडर द्वारा कैसे हिंसा होता है, होता है भेदभाव, उसके समझ कुछ और ना, इसलिए हम उस जुड़ अभी कर रहे हैं। तो महिला जो शायद हम झेले वो आगे जाके आज की लड़की हो या महिला हो न झेल पाए। हम लोग को तो बहुत परेशानी हुआ, पढ़ने भी का मौका नहीं ला, 10वीं में तो शादी हो गया, या सोचे कि पढ़ेंगे तो खूब झगड़ा लड़ाई हुआ तभी भी नहीं पढ़ने दिए, कहे कि नहीं घर के बहू बाहर नहीं जाती है पढ़ने, पढ़ के तुम क्या करोगी, चूल्हे में तो आँच लगाओगी, पढ़ना जरूरी नहीं है, जाके तुम चूल्हा में आँच लगाओगी। जाके तब जाके एगो लेटर दिए पापा को, पहले तो लेटर चलता था कि हमको पढ़ना है, लोग पढ़ने नहीं देते थे, कम से कम हमको 10वां वाला कागज निकाल के आन दीजिए और एडमिशन करा दीजिए, जो हम मैट्रिक पास करेंगे तेकरा बाद हम कोई काम करेंगे। तब जाके वो बोले कि नहीं हम तो नहीं जा पाएंगे, जो हम कलकत्ता रहते थे मेरे पापा, तो खुद से हम अपने गए एक दिन डॉक्टर के बहाना करके कि हमको तबीयत खराब है जे हम जा रहे हैं डॉक्टर का, जे कह दिया तेकरा बाद चल गए बरियारपुर अपना मायके, वहां से कागज निकाल के लाए, एडमिशन कराए। तो जब परीक्षा के वक्त आया मैट्रिक का देने का तो बोले कि नहीं देना है, तुम चोरी छुपके क्यों जाके फॉर्म माने कि जमा की हो। तो हम कहे कि हमको मन था पढ़ने का, इसीलिए हम चोरी छुपके जाके जमा किए हैं, पढ़ने का हमको मन है, हम पढ़ेंगे। खूब झगड़ा हुआ तभी भी गए, 5ों दिन एग्जाम दिए तो पास किए, सेकेंड डिवीजन से पास किए। तब जाके फिर इंटर में भी एडमिशन कराए 2008 में, आ करा के तब बीए फाइनल किए। तो अब देखिए वही जो कह रहे कि जब हमको खिलाफ जाके तुम करी हो तो तुम अपना पैर पर ठहरा हो के कमाओ, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है वो बोलते हैं। तब जाके फिर अब वही समझ गए हैं, आज बच्चे सबको भी पढ़ा रहे हैं अच्छा से
और बच्चा एक मेरा इंजीनियर, और बेटी बीए फाइनल है, और छोटे वाला बेटा इंटर फाइनल होके बीए में एडमिशन दिया है। बहुत लोग चौथे प्रतिभागी की तो तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ रुबीना है जो अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वी, और बहुत सारी जो स्टोरी सुनी है वो बहुत ही ऊर्जा, बहुत ही ताकत देने वाली थी। तो मेरी कहानी भी कुछ ऐसे ही जुड़ी हुई है। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? हाँ, आ रही आ रही। अच्छा, तो मैं फैजाबाद की रहने वाली हूँ, फैजाबाद के एक छोटे से कस्बे में की रहने वाली हूँ, और खासकर मुस्लिम परिवार से रहने वाली हूँ। तो मेरे परिवार में 5 बहनें और 2 भाई थे। तो हमेशा मतलब हम लोग के ऊपर कंट्रोल तो बहुत होता था, क्योंकि 2 भाई 5 बहनों से बड़े थे। तो हमेशा उनको लगता था कि, और पूरे खानदान को लगता था कि हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। पढ़ाई 6 के बाद हम लोग का क्या हुआ कि फादर का की डेथ हो गई, उनका उनको कैंसर था। तो हम लोग को ये हुआ कि 5 बहनें तो जो है, 3 बहनें तो बिल्कुल पढ़ी नहीं, 2 क्लास 3 क्लास पढ़ के वो भी मदरसों से उन्होंने पढ़ाई की और छोड़ दिया पढ़ाई। फिर उसके बाद हम 2 बहनें थे जो हम पढ़ना चाह रहे थे कि नहीं हमें पढ़ना है, पर ये था कि नहीं, मुस्लिम घर की हो तो मुस्लिम परिवार में ज्यादा पढ़ाई नहीं की जाती है, और पर्दा बहुत करना है, तो पढ़ाई करने जाओगी तो सब ऐसे देखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। पर हमेशा से था कि नहीं पढ़ाई करना है। और तो भाई लोग ने कहा कि, अब फादर भी नहीं है तो भाई लोग ने कहा कि कैसे पढ़ोगी, हम फीस ही नहीं देंगे तो कैसे तुम लोग पढ़ोगे दोनों बहने। तो हम लोग को लगा कि नहीं पढ़ना तो है, अगर ये फीस भी नहीं देंगे तो आगे कुछ तो करना होगा। तो बहुत छोटी उम्र थी, मतलब मैं 6 क्लास में थी, बहन मेरी 8th या 9th क्लास में रही होगी। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने, मेरे तरफ फुलवारी, आप लोगों ने सुना होगा कि अयोध्या में फुलवारी भी बहुत होती है, तो वहां पर फूल, हम लोगों ने 4 बजे, हम लोगों ने एक जगह बात की एक मालिक के यहाँ, और उनके यहाँ कहा कि हम लोग जो है 4 बजे से फूल बीनेंगे और उसकी मालाएं बनाएंगे। तो हम लोग सुबह उठकर, हम दोनों बहने 3 बजे 4 बजे सुबह उठकर अंधेरे में जाते थे, दूसरा फूल का था, दूसरे में कुछ पैसा मिलता था, तो हमारी जो है पढ़ाई भी उसे कंटिन्यू चलती थी। अच्छा, मेरे फादर का भी, भाई लोग का भी ऐसा काम था कि वो जो है बरसात होने पर काम नहीं चलता था। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, वो डोमेस्टिक वर्कर थी, दूसरे के यहाँ काम करती थी। पर उसमें भी था कि जैसे हम लोग के यहाँ अब बरसात हो गई तो अब खाना पीने का बहुत दिक्कत थी, और घर भी ऐसे था कि बारिश होने पर घर, ये था कि रात में हम लोग को जगना पड़ता था, जगह जगह 200 जगह हम लोग कटोरी ग्लास और भगौना ये सब रखते थे कि पानी छूता था गिरता था तो हम लोग उड़ जग के बैठ जाते थे। तो इस तरीके का घर था हमारा। तो अब बरसात में भाई लोग का भी काम नहीं चलता था, तो सब अब खाने पीने की तो बहुत दिक्कत होती थी। तो माँ जहाँ पर काम करती थी, हम लोग क्या करते थे, जब हमारी छुट्टी होती थी स्कूल की तो हम लोग वहां पर उनके यहाँ रहते थे, काम करते थे। अब पर लगता था कि जैसे हमेशा दिमाग में होता है कि बड़े घर में खाना पीना अच्छा मिलेगा तो वहां काम करेंगे तो अच्छा, पर वहां पर भी जब हम लोग काम करते थे तो देखा कि सब खाना खा लेते थे, उसके बाद खाना मिलता था, और खाना जब मिलता था तो खाना बचता ही नहीं था, तो हमेशा चटनी मतलब रोटी बनानी पड़ती थी, चटनी पीसना पड़ता था या अचार से खाना पड़ता था। मतलब उनके अभी 36 पकवान बन रहा है पर नौकरों के लिए खाना नहीं। तो मतलब हमेशा से लगता था कि नहीं कुछ करना है, अब पढ़ाई तो अपनी कंटिन्यू रखना है और आगे बढ़ना है जिंदगी से। तो बहन की, जब उन्होंने, बहन मेरी इंटर पास किया ऐसे ही फूल बनाकर और ऐसे ही मालाई करके, तो और हमेशा से कहा जाता है ना कि तुम्हारा ये घर नहीं है तुम्हारी, मतलब हम लोग जो पढ़ाई जो माला बनाते थे जो पैसा होता था उससे थोड़ा घर भी चलता था हमारा, पर हमेशा कहा जाता था ये घर तुम्हारा नहीं है, जहां जाओगी शादी करके वो घर तुम्हारा होगा। और जब मेरी बहन ने इंटर किया तो उनकी शादी लगना शुरू हो गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी हमें शादी नहीं करनी है, वो लखनऊ आ गई कि हमें शादी नहीं करनी है और हमें कुछ काम करना है। उन्होंने लखनऊ से पढ़ाई अपनी कंटिन्यू की, उसके बाद फिर मेरे पीछे सब पड़ गए कि अच्छा ठीक है अब रुबीना है तो उसके भी इंटर कंप्लीट हो गए तो उसकी शादी करनी है। फिर बहन के कैसे कैसे बहुत मुश्किल से हम यहाँ पर आ गए, और मतलब एक शहर से दूसरे शहर भाग कर जाना वो भी बहुत अपने आप में बहुत चैलेंज होता है, कि मतलब मेरे पूरे परिवार पूरे खानदान के लोग चेक करते थे कि ये लोग कर क्या रहे हैं लखनऊ जैसे शहर में। तो अब लखनऊ जैसे शहर में रहना है, अब बहन ही काम करती थी तो मुझे भी कुछ करना था, क्योंकि पढ़ाई भी करनी है कुछ काम भी करना है। तो हमने एक संस्था में काम करना शुरू किया, और जब काम करना शुरू किया तो देखा कि मतलब हमारे, ये हमारी ही कहानी नहीं है, हमारे जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस चीजों से जूझ रही हैं, जो वही उसमें फंसी हुई हैं कि अच्छा पढ़ाई नहीं करनी है, घर का काम लड़कियां ही करती हैं, और जो है आगे बढ़ना क्या करना है तुम्हें, मौके मतलब वही मौके
मिलना, वही सारी चीजें। और हम लोग के साथ भी वही दिक्कत थी कि अगर हम पलट के कुछ कहते अपने घर में, अगर कोई छेड़खानी होती है, कुछ होता है, पलट के घर पे कहते तो वही सेम बातें कि तुम्हारी गलती होगी, तो वही पलट के अपने घर पर शिकायत भी ना करना अगर कोई कुछ परेशानी भी हमको रास्ते में हो रही है कि कहीं मेरा ही आना जाना ना बंद हो जाए। तो मेरे मतलब हम लोग के घर वाले भी यहाँ पर आके देखते थे कि लड़कियां कर क्या रही है। यहाँ पर आके एक संस्था हमने ज्वाइन किया, संस्था में ज्वाइन करने के बाद फिर हमने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, BA 5 BA किया। फिर उसके बाद एक लड़के से प्यार हुआ और एक साल बाद हमने शादी कर ली। शादी में भी देखा कि वही सारी चीजें कि एक चीज हम छोड़ के आए जहां पर कि अच्छा हमको नकाब नहीं ओढ़ना है अपने परिवार में और हिजाब नहीं करना है, वही चीजें हमने ससुराल में देखी जहां से एक चीज इतना स्ट्रगल करके आए। वही पर क्योंकि ख्वाहिशें होती है ना, लड़कियां सपने भी ऐसे ही होते हैं कि अच्छा ससुराल जाएंगे तो बहुत सारी चीजें जो हम मायके में नहीं कर पाए हैं वो ससुराल में कर देंगे। पर जब शादी होके ससुराल में, और शादी में मेरी ऐसी थी कि हम छोटी जात के थे और जिससे शादी किया वो बहुत बड़ी जात की, मुस्लिम में बहुत बड़ी जात मानी जाती है। अब उसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल, शादी में भी बहुत, पर हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे तो शादी भी हम लोग की हो गई, बहुत दिक्कतें हुई पर शादी हो गई। पर शादी करके आए तो वही चीजें फिर से कि अच्छा बाहर निकलना है तो नकाब ओढ़ के निकलना है, बिना नकाब के नहीं निकलना है। और वही कि बात बात में कुछ होता था तो माई अपने घर पे करना, अपने घर पे, तो मेरा घर कौन सा था? क्योंकि मायके में हमेशा कहा जाता था कि ससुराल तुम्हारा घर होता है और ससुराल में कहा जाता है कि मायका मेरा घर है, तो हमेशा से दिमाग में था कि मेरा कोई घर ही नहीं है, ना मेरा मायका घर है, क्योंकि औरत का सच में कोई घर नहीं होता, ना मायका होता है ना ससुराल होता है, क्योंकि मायके में कहा जाता है कि ससुराल में करना, ससुराल में कहा जाता है तुम्हारा घर मायका, मायके में करना, मतलब पराए घर से आइए और पराए घर जाएगी, वो वाला हिसाब पूरा चलता रहता है जिंदगी भर। तो जब शादी करके आए तो वही स्ट्रगल यहाँ पर करना पड़ा कि नहीं भैया हमको निकलना है, हमको फिर हुआ कि तुम्हारा पति तो सरकारी नौकरी करता है तो उसमें तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है। है जैसे बहुत सारी बातें देखा जाता है, ताना दिया जाता है, और बहुत सारा सब देख देख के हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। फिर हम लोग जैसे कि मेरे आर्थिक स्थिति हम लोग का सही नहीं था, तो हम लोग कभी कभी खेत में भी जाते थे, खेत में धान काटते थे, गेहूं काट के लाते थे, बोझा भी ढोते थे, सब कुछ करते थे, साथ में पढ़ाई भी करना पड़ता था। तो पढ़ाई के लिए तो मम्मी पापा 10th तक सही पढ़ाए, 10th तक कोई रुकावट नहीं है, कि गांव में 10th तक ही पढ़ाया जाता है। जब आगे की पढ़ाई के लिए आगे गए तो मम्मी पापा 11th 12th 11th सही से गुजर गया, 12th में एडमिशन करवाए, 12th अच्छे से पास कर गए। जब 12th के आगे हम पढ़ने के लिए बोले तो पापा बोले कि नहीं, नई पढ़ाई करना है, आगे पढ़ के क्या करोगे, इतना ही ठीक है, अब आगे भाई सबको पढ़ाएंगे, वो पैसा बचेगा तो भाई सबको पढ़ाएंगे। तो हम उस टाइम बोले सब कुछ तो भाई ने के लिए करना, जिंदगी भर तो भाई ना आप ही लोग के साथ रहेंगे, हम लोग आपके साथ नहीं रहने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग साथ ऐसे करते कि दूसरे घर जाएगी कुछ भी करे तो चलेगा, अब भाईन रहेंगे तो आपको कमाएंगे, अच्छा नौकरी लग जाएगा, ज्यादा पैसा कमाएंगे तो आप लोग का देखभाल करेंगे, तो ये इसलिए बेटी को ज्यादा नहीं पढ़ा रहे। तो फिर ऐसे ही करके हम लोग आगे की पढ़ाई के लिए पापा से जीत जबरदस्ती करके एडमिशन कराया, आगे पढ़ाई उड़ाई की। फिर मेरा बहुत मन था कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, जिस तरह के हम लोग जिस तरह से हम लोग को पढ़ाने पढ़ाई करने में प्रॉब्लम हो, उस तरह से मेरे गाँव के बच्चे को उसे ना हो। तो फिर हम लोग छोटे छोटे पापा को बोले एक दिन कोचिंग पढ़ाना, तो पापा छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग उचिंग पढ़ाने बोले, बोले कि ठीक है पढ़ा सकती हो, तो गांव के बच्चे को पढ़ाने उठाने ने। फिर एक दिन हमको किसी स्कूल के बारे में पता चला, तो हम सोचे कि वहाँ स्कूल में जाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। जब हम वहाँ गए, इंटरव्यू दिए, मैं सिलेक्शन, जब हम वहाँ स्कूल जाने लगे पढ़ाने, तो सब गांव की महिला सब जाती थी तो देखती थी, बोलते जी कैसी लड़की है, मुसलमान की लड़की है तो नहीं जा रही है घूंघट रख के, कैसे मुंह खोल के जा रही है। कभी अपने फ्रेंड्स सबके साथ आते, रास्ते में हंसते बात करते थे, सब बोलते कैसे दांत फाड़ी है, बहुत सारा लोग सब ताना मारने लगे। तो फिर पापा कैसे तरह मना किए कि नहीं, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ने जाना है आगे, वो नहीं पढ़ाने जाना। तो हम बोले कि नहीं, हमको तो पढ़ने जाना ही है, तो पढ़ाने जाना है। फिर एक दूसरे दिन हम लोग चुप चोरी से चले गए आगे पढ़ाए खुद, आज इतना ही हो गया कि खुद से पढ़े भी आगे, पढ़ाए भी आगे। और जब आकांक्षा सेवा सदन से जुड़े तो और सब चीज के लिए हिंसा के बारे में, भेदभाव, इस सब के बारे में पता चला। फिर जब अब आगे पढ़ने के लिए पैसा भी बहुत ज्यादा चाहिए, जब मेरा बीएड का, हम तो बीएड दिए तो मेरे पैसे का बहुत ज्यादा जरूरत था। पापा बोले उतना पैसा नहीं है, कैसे बीएड करोगे, तो हम बोले कि नहीं हम तो करेंगे ही करेंगे। जब हम एंट्रेंस दिए, एंट्रेंस मेरा निकल गया, पर प्राइवेट से ही एंट्रेंस निकला जिसमें हमको 75,000 1 लाख का जरूरत था। पापा बोले कि मत दो, नेक्स्ट टाइम देना, पैसा हो जाएगा। तो हम बोले कि नहीं, हमको तो एडमिशन देना ही, लेना ही तो लेना। फिर हम अपने बलबूते पे गए, लोन लिए, लोन लेकर उस पैसा फिर अपना एडमिशन करवाए, आगे बढ़े अपने आगे शिक्षा के लिए।
तब आज पापा सबको भी लग रहा है कि नहीं है मेरी बेटी में जो है, एग्जाम्पल देते कहीं कहीं कि हाँ मेरी बेटी में है, आज तक मेरा बेटा ही उतना नहीं किया कि जितना मेरी बेटी कर रही है। और फिर वैसे ही इसी तरह हो रहा है, हर एक चीज की रोक रोक लगाया जाता है। फिर शादी के लिए भी, अब शादी कर देंगे शादी कर देंगे, तो शादी के लिए भी बोला है तो पापा बोले कि नहीं हम अपने बेटी से पूछे, मम्मी बोले क्या पूछना कर देते, पापा एक दिन आए पूछे कि शादी करने जाए, हम इसे डायरेक्टली मना किए कि नहीं मुझे अभी तो नहीं करना, मुझे पढ़ना है अभी, हम कितना अभी देखे हमको बहुत कुछ सीखना है। तो फिर पापा आज भी शादी के लिए, फिर पापा से पहले डर भी लगता था कि हाँ अपना मनपसंद शख्स बताने में कि हाँ कि बताएं कि ना बताएं, लेकिन अब हिम्मत आ गया कि नहीं अब कुछ बता देते हैं, मान जाते हैं, यही सब चुनौती रहा। थैंक यू। तो बस बहुत बहुत थैंक यू। मैंने पहली बार सुना है कि किसी लड़की ने अपनी पढ़ाई के लिए लोन लिया हो, और वो भी सबसे सबके खिलाफ जाके। बहुत बहुत ही इंस्पायरिंग है। इसके बाद हम यूपी से ममलेश जी को बुलाना चाहेंगे। ममलेश जी, आप अपना नाम 2-3 लाइन में परिचय देकर अपनी कोई कहानी हमारे साथ शेयर करें। तो सभी की मैंने कहानी सुनी, बस वो जो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो चुनौतीपूर्ण जीवन है वो सबके साथ है, वो मेरा भी है। मैं अपने परिवार में बचपन मेरा कैसे निकल गया मुझे पता भी नहीं, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली थी, पापा लोग 4 भाई थे, बहुत सारे परिवार में सारे हम बच्चों के बहुत सारी बचपन ही से जिम्मेदारियां थी कि वो लोग भाई बहन लोग ये काम कर रहे हैं, पापा किसान थे तो मिलके सब खेती किसानी का काम करते थे, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती थी। तो पढ़ाई का भी इशू था कि समय नहीं दे पा रहे थे पढ़ने के लिए, फिर भी पढ़ाई की, मैंने 8 तक पढ़ाया उन्होंने, और इसके बाद दादा दादी का कहना था कि और भी लड़कियां हैं परिवार की, उनकी शादी कर दी है, बड़ी दीदियों की, तो इनकी भी शादी करो, हमें देखना है कि शादी हमारे सामने हो जाए। तो बहुत जल्दी मेरी शादी कर दी थी, 8 पास के बाद 16-17 के बीच में ही मेरी शादी कर दी थी। तो ससुराल में जब आए तो पापा ने कहा कि महोबा जिले से नजदीक गांव था ससुराल, तो उन्होंने कहा कि अगर पढ़ाना चाहते तो आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम तो नहीं पढ़ा पाए। तो उन्होंने कहा नहीं हमें नौकरी थोड़ी ना कराना है, हमें तो अब घर के काम कराना है। तो वो तो समझ नहीं थी हमें, और कोई नहीं, हम पढ़ रहे गांव में, और जो खेती किसानी का ही भी यहाँ काम था उसी में थे, चल रहा था। इसके बाद 22 साल की उम्र थी मेरी और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो ससुराल में बहुत सारे संघर्ष थे कि मतलब उन्होंने कहा कि आपको रहना है, सिर्फ रहना है और खाना है, बाकी आपको किसी चीज से मतलब नहीं है, क्योंकि खाना मिल रहा है घर में और रहने के लिए जगह मिल रही है। तो हम सोचते थे कि ऐसे तो मेरा जीवन नहीं कटने वाला, और मेरे 2 बच्चे भी थे छोटे छोटे, तो कैसे चलेगा, ये सोच सोच के मुझे बहुत टेंशन होती थी। लेकिन इसी बीच में ग्राम उन्नति संस्था का मतलब काम चल रहा था, और बहुत सारे लोग आते जाते रहे, उनके बीच मेरा बैठना उठना हुआ, जैसे उषा है तो ये भी आती थी और इनके साथ मिलना जुलना होता था, तो सब चीजें देखी सीखी। फिर कल्पना दी से मिले, उन्होंने कहा कि तुम पढ़ाई करना चाहती हो तो पढ़ सकती हो, तो मुझे बहुत शौक था लिखने पढ़ने का, मैंने कंटिन्यू अपने कलम बंधने की, कुछ घर का हिसाब किताब कुछ ना कुछ बच्चों को पढ़ाना ये सब करती रही। फिर मैंने पढ़ाई चालू की और मैंने इंटर तक पढ़ाई की, फिर इसके बाद बीए भी किया। तो और घर में अपना मतलब इस तरीके से काम किया कि घर में जो मेरा हिस्सा है, मेरे हस्बैंड का जो था वो मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे संघर्ष किए, और वो जितनी जमीन थी मैंने उसमें अपने बेटे के नाम पे, और जैसे प्रोसेस है पूरा करने के बाद मैंने अपना हिस्सा लिया, और हिस्सा लेने के बाद मैंने गाँव में घर ना बनवा के शहर में घर भी बनवाया, और ग्रामोन्नति से जुड़कर मुझे बहुत आगे बढ़ने का मौका मिला, और मैंने अपने बच्चों को पढ़ाई यहीं पे करवा रही हूँ, रह रही हूँ। और संघर्ष तो हर महिला के साथ है, और वो सब चीजें जो बस ये था कि वो समझ नहीं थी इन संघर्षों और चुनौतियों को सिक को पार करने के लिए, तो ये सारी चीजें थी। तो ये जीवन है, लेकिन अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब इन सारी चीजों को पार करके और मैं आगे बढ़ी। और दूसरी चीज ये है कि कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए खुद में संघर्ष होना चाहिए और खुद में बदलाव की ये प्रेरणा भी अगल बगल से मिलती है, उसको सीखना जानना, आप लोग से मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो क्रिया से जुड़कर अभी मैं काम करती हूँ, पूरा WMPMS प्रोग्राम को देखती हूँ, और बहुत अच्छा मतलब ये आगे बढ़ने का मौका है। धन्यवाद। मैं बता नहीं सकती कि थैंक यू
हमारे साथ अपनी कहानी बांटने के लिए और अपने इतना जो साहस से अपने अपने आप को आगे बढ़ाया है वो सच में बहुत ही बहुत इंस्पायरिंग है। अब हम कहानी प्रतियोगिता में आखिरी प्रतिभागी के पास बढ़ने से पहले हम कल्पना जी का स्वागत करते हैं। कल्पना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वेलकम कल्पना जी। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वी और साहस के द्वारा ये साहस भरे कदम का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपके द्वारा किए जा रहे ये स्टोरी टेलिंग और वीडियो, इससे महिलाओं में बहुत हौसला भरा है अपनी बात को कहने का। तो साहस को बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कल्पना जी। कल्पना जी अब हम अपने आखिरी प्रतिभागी रेखा कुमार जी के पास जाना चाहेंगे। रेखा जी आप अपना नाम और एक दो लाइन में अपना परिचय देते हुए आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करिए। मैं रेखा कुमारी है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी शादी जब मैं 11 साल की थी, 6th क्लास में पढ़ाई कर रही थी, तभी मेरी शादी मेरे पापा कर दिए थे, हालांकि मेरी माँ नहीं थी। तो जब मेरी शादी हो रही थी तो मुझे ये भी नहीं एहसास था कि शादी क्या होता है। मुझ में बस यही जुनून था कि मुझे पढ़ना है और पढ़ना है तो पढ़ना है। जहाँ पर मैं, मेरा मायके था वहाँ पर स्कूल एकदम नजदीक में था, तो वहाँ पर सर लोग को भी हम बोले थे कि हमको आगे पढ़ना है। प्राइवेट था, हाई स्कूल ही था लेकिन गांव में था, प्राइवेट था, उसमें पैसा लगता था। मेरे पापा बोले कि अब पढ़कर क्या करोगी, मैं जैसे कि हमको हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर मेरा कुछ हो जाता है तो ये शादी कौन करेगा, भाई सब है तो कैसा घर में शादी करेगा। तो इसके पापा जब मैं 11 साल की थी तभी शादी कर दिए थे। जब यहाँ से गई तो फिर मैं स्कूल जाने लगी और वहाँ पर पढ़ाई करने लगी। तो जब 6th क्लास के बाद 8, 9, 10th, उसके बाद मैं फिर बीच में कभी नहीं आई ससुराल। और जब 2004 में मैं जब मैट्रिक के एग्जाम हो गया उसके बाद यहाँ से गए लोग बुलाने, तो फिर मैं 2004 में ससुराल आई। और यहाँ जब आई तो यहाँ पर जो हमारी संस्था है ढबना शर्मा, तो उनको एक ट्रेच यहाँ पर गांव में खुला था, तो इसके लिए बोली कि जो इसमें कोई अगर जो मैट्रिक से पढ़ी लिखी रहती तो उसको हम इसमें ज्वाइन कर लेते। इस बात को हमको पता चला, बगल में चर्चा हो रहा था, तो इसे मेरे परिवार वाले लोग बोले कि अभी नहीं नहीं बहुत गांव में जाएगी पढ़ाने, लेकिन हमको यही था कि कुछ करके आगे पढ़ना है। और हम इस बात को मैडम तक कि मुझे कोई इसमें ज्वाइन कर लीजिए, हम इसमें जरूर काम करेंगे। मैडम घर पर जा करके गई और मेरे सास ससुर को बोली कि जे रेखा अगर करना चाहती है तो आप अपने, रेखा नहीं सॉरी, आप अपने बहू को बोलिए कि वो करेंगी काम, अलग नहीं जाना है, बगल में ही निकलाना है। और फिर जाकर के मैडम बोली, तो हमको घर से लोग बाहर निकलने दिए। कुछ दिन जब हम साथ में के साथ थे तो इनको भी लगा कि हाँ फिर पढ़ने में तेज है, आगे भी पढ़ाई कर सकती थी। और हम हमेशा कहते थे कि हमको पढ़ने का इच्छा है और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। तो जाकर के सहयोग मेरे परिवार वालों को जाकर के मैडम बोली कि इसे बहू को आगे एडमिशन करा दीजिए, पढ़ने में तेज है और पढ़ाई करेगी। फिर जब ये लोग जाकर के मैडम जाकर के बोले तो मेरे परिवार इंटर में करा दिए। और तो उसमें खर्चा लगा, मैं क्रेच से जो पैसा मिलता था उससे मैं इंटर के बाद भी मैं क्रेच चला ही रही थी। उसके आगे ग्रेजुएशन कर ली। उसके बाद जब मेरे घर में बड़ी वाली लड़की जन्म ली तो उसके साथ भी मेरे परिवार में भेदभाव हो रहा था कि लड़की है और वो थोड़ा मानसिक विकलांग थी, तो उसको लेकर के मेरे परिवार के सदस्य कोई एक्सेप्ट नहीं करता था कि ये लड़की है विकलांग है, चलो इसी तरह से रहेगी, तो इसको जैसे कि डॉक्टर से दिखाना, परिवार के कोई सदस्य यानी कि सपोर्ट नहीं करता था। फिर भी हम उसको डॉक्टर कॉलेज जाकर
खाते थे रात को करीब 7 बजे 8 बजे रात को अकेले। उस समय मेरे हस्बैंड बाहर रहते थे, बम्बई रहते थे, मेरे साथ वो भी नहीं रहते थे। मैं खुद से उसको ले जा करके दिखाती थी और दिखा करके और लाती थी। करीब 1.5-2 साल तक मैं उसको रेगुलर डॉक्टर के यहाँ ले जा करके दिखा करके लाई। आज वो जो विकलांग थी, मानसिक बुद्धि कम था और इसके बाद में वो बोलती नहीं थी, तो उसको मैं इस तरह से अपने परिवार में समझ है और पढ़ाई भी कर रही है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मैं MPMS कार्यक्रम में जुड़कर कोऑर्डिनेटर के पद पर काम कर। धन्यवाद। थैंक यू रेखा जी। खुद भी आप आगे बढ़े और अपनी बेटी को भी आगे बढ़ाए। बहुत बहुत ही सुंदर और बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। हाँ मोना, थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं भी अपने जीवन से जुड़ी कुछ बात एक दो रख बिल्कुल लूँ। बिल्कुल बिल्कुल कल्पना जी, क्यों हाँ, नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बिल्कुल जैसे अभी रेखा कह रही थी कि उसका पढ़ाई का, तो कुछ हम भी बताना चाहते हैं कि जैसे हम हैं तो आज हम पितृसत्ता कुछ के बारे में बताते हैं कि कैसे महिलाओं को, लड़कियों, हम स्वयं भी उसी ढांचे से निकले हुए हैं। हम 5 बहनें हुए हैं और जिसमें सबसे बड़े हम हैं। तो कभी भी हमारे पेरेंट्स ने हमारी हमारी माँ का तो काम था घर का काम करना, सिर्फ लड़कियों पढ़ाना या लड़कियों की पढ़ाई के बारे में सोचना कुछ करना उनके हाथ में ही नहीं था। वो घर में जो चलती थी वो सिर्फ पिताजी की चलती थी। तो सिर्फ यही बात होती थी कि भाई 5 लड़कियां हैं, बस जल्दी से हाई स्कूल कर ले और फटाफट शादी कर ले, नहीं तो कहीं फिर सब बराबर की ना हो जाए। तो एक तो उन्हीं थी और उनके ऊपर आसपास परिवार और समाज का भी दबाव रहता था। तो जब हम 12th कर रहे थे तभी लोगों ने उनको कहना शुरू कर दिया कि अरे जल्दी से देखो, मतलब उसमें हमारी राय हमारी सोच कुछ कोई मायने नहीं थी। और घर में अगर 5 लड़कियां हो तो उनके खान पान, उनका रहन सहन, उनका पहनावा किस कदर दोयम दर्जे का होता है, वो आज अगर हम सोचते महसूस करते तो हम कहते कि मतलब किस तरह भेदभाव से हम सब निकले हुए हैं। तो किसी तरह बस 12th आते आते ग्रेजुएशन पहले साल की शादी, साथ में हम मात्र 18 साल के थे। 19वीं में हम आए थे, मतलब ये था कि भाई 18 साल की हो जाए बस, ना तो कोई पढ़ाई। और हम कहते भी तो अपनी माँ से कहते थे, पर हमारी माँ के पास भी इतना पावर नहीं था, इतनी वो पिताजी से भी नहीं बोल पाती थी कि वो कहे कि नहीं वो इस तरह कह रही है। तो उस तरह फिर लेकिन हमारे अंदर एक जज्बा था कि हम कुछ करेंगे और हमें लगता था कहीं ना कहीं इस ढांचे में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल बोलने की जगह ही नहीं है। तो हम सोचते थे भविष्य में कभी भी ऐसा मौका मिला तो हम जरूर कुछ करेंगे, ये हमारे अंदर था। तो शादी के बाद फिर हमें वो मौका मिला और हमने फिर अपनी पढ़ाई को जारी किया और पढ़ाई हमने अपनी छोटी बहनों के साथ पढ़ाई करी करी और उसमें भी बहुत बहुत संघर्ष हमने किया। और फिर हम सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आए और फिर हमें लगा कि हमें उन बहनों के लिए काम करना है जो हमारे जैसे अब निकल के आई हैं। तो हमारा मुख्य था कि हम महिलाओं को उनकी पढ़ाई के बारे में करेंगे क्योंकि एक लड़की से कभी भी नहीं पूछा जाता। तो ये घुटन हमारे अंदर थी। तो हमने जो अपना काम शुरू किया सामाजिक क्षेत्र में तो इन्हीं मुद्दों को लेके हम आगे बढ़े हैं और आज इन सब की स्टोरियों को हम सुनते हैं, इन सब के जीवन को सुनते हैं। तो हमें लगता है कि हर लड़की हर महिला अपने जीवन में संघर्ष कर रही है और आगे बढ़ रही है, जहां भी उसको रास्ता मिलता है वो अपनी जगह बना लेती है। सुनाऊं मैं भी कुछ बात की। जो मेरी भी शादी बचपन में ही हुई थी, बाल विवाह हुआ और ससुराल आई।
ससुराल में ही पढ़ाई लिखी हुई, और जहाँ तक बता रहे पूर्वी जी की एमए एलएलबी की पढ़ाई की समय, तो कितने चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ये सारे जो हमारे कहानी कहने वाली थी वो उन सबसे सारे मुद्दों से मेरा जीवन जुड़ा हुआ था। पर्दा प्रथा में जान है, किसी से बात नहीं करना है, पूरे घूंघट में जाती थी आती थी, लेकिन पढ़ने का जुनून था तो मेरे अंदर लग रहा था कि कुछ भी समस्याएं आएंगी लेकिन सबको झेलते हुए मुझे पढ़ाई को पूरी करनी है। और वही हुआ, चुनौतियों का सामना करते हुए मैं पढ़ी, जो मेरे ससुर साहब पढ़ा रहे थे उनकी मृत्यु हो गई, फिर ट्यूशन करना शुरू की, स्कूल खोली, कई तरह के काम को करते हुए महिला समाख्या में काम की। ये सब तो जो हुआ काम के दरमियान तो आगे बढ़ते गई, पर मेरे अंदर जितने भी जेंडर की बातें आती गई, मुझे लगा कि सबसे पहले इसकी शुरुआत घर से ही क्यों नहीं किया जाए। तो मैं बताऊं कि घर में जैसे बेटा है बेटी है काम का बंटवारा जैसे करता है लोग, जो ये बेटा है तो ये करेगा, बेटी है तो खाना बनाएगी, बेटा है तो खेलेगा कूदेगा, ये सब नहीं। हम काम के बंटवारा में भी बेटा बेटी को समान रूप से जिम्मेवारी दिए, और बेटा की शादी किए, जब बहू आई तो बहू को मैं कभी अपने बहू नहीं समझी बल्कि बेटी समझी, बहू के साथ खाना पीना। फिर पर्दा प्रथा जो मेरे अंदर था, मेरे साथ जो हुआ था उसको तोड़ करके मैं पर्दा को हटाई। जब से बहू आई तो सबसे बातचीत करना, कुर्ता सलवार पहनना, घर से बाहर निकलना, पढ़ाई के लिए जाना, ससुर भी हैं, भैंसुर भी हैं, देवर भी हैं, तो सबसे सब मतलब घर के अपने सदस्य हैं या बाहर के भी, सबसे बातचीत करना, ये सब चीज को मैं तोड़ी और उसको अवसर दी। तो मेरे साथ जो भी समस्याएं हुई, जो भी बात हुआ, उसको मैं घर से ही शुरुआत की कि नहीं इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बंदिशें सिर्फ महिलाओं पर लगता है और वो बहुत ज्यादा वो पीछे चली जाती है बंदिशों के कारण, तो बंदिशों को तोड़ना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है महिलाओं के लिए। ये सब तो हुआ ही, फिर जो है सो पढ़ाई के लिए भी उन लोगों को मोटिवेट की, और सबसे बड़ी बात जो भ्रूण हत्या जो समाज में लड़कियों के बारे में, लड़की जन्म होने पर तो ये मतलब मातम मनाते हैं लोग, लड़कियों को जन्मने से पहले ही उसे मार दिया जाता है घर में, तो ये सब के लिए भी मैं अपने बच्चों के बीच, बेटा हो या बेटी हो, ये सब इन सब के बीच मैंने भी चर्चा की, जो ये दोनों समान बातें होती है, प्रकृति प्रदत्त जो है, जो हमारे जीवन में सृष्टि लड़का और लड़की दोनों नहीं होगा तो सृष्टि कैसे चलेगी। तो इस रूप में सोच हमने डाला, और समाज में जो अब देखते हैं, हम पहले जो मैं घर में अपने बहू को कुर्ता सलवार पहनाई थी तो बहुत तरह की टीका टिप्पणी हुई, पर आज बहुत खुशी होती है जब समाज में सबके बहू को देखते हैं मैंने अपना बाहर निकलना, अपना काम खुद से करना, पढ़ाई करना जा रही है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो स्कूल भेज रही है या अपने खुद जा रही है, उसको बच्चे को लाना है पहुंचाना, ये सब तरह का जो देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो मतलब शुरुआत यदि कहता है कि मसला ये नहीं है कि हल कौन करे, मसला ये है कि पहल कौन करे, तो कुछ पहल करने से समाज में उस तरह की बातें होने लगती है। या फिर जो है मेंस्ट्रुअल हेल्थ, जो मतलब माहवारी के लिए अभी भी समाज में लड़कियों को पहले से जानकारी नहीं दी जाती है, जिसके कारण लड़कियां समझ नहीं पाती है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, तो इसके लिए भी हम अपने घर में, जो हमारे घर में बच्ची है या अपनी बेटी थी या अपने समाज के बच्चियों के बीच में, हम इस तरह की चर्चाएं करते रहते हैं ताकि वो पहले से तैयार हो जाए कि कैसे मतलब इस तरह की समस्या हमारे साथ आने वाली है या इस तरह की घटना कुछ हमारे जीवन में होने वाली है। तो इस रूप में फिर अभी कितने तरह के बलात्कार की घटनाएं हो रही है, तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे लड़का लड़की को समझदारी देना है। फिर हम लोग बात करते हैं कि ये घटना घट रही है तो सिर्फ लड़कियों और महिलाओं के साथ ही बातचीत करनी चाहिए, जबकि हमें लड़का और लड़की दोनों से इस पर बात करनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, हत्या हो रही है, तो इस तरह से बातचीत में। तो बहुत तरह के हमको लगता है कि धीरे धीरे हमने भी शुरुआत किया, पर जितनी भी समस्याएं, फिर मैं बोलती हूँ कि जितनी भी बातें हमारी बहनों ने अपनी जीवन से जुड़े हुए चीजों को रखी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है,
और एक दूसरे का, एक महिला का जो जीवन का जो कहानी है वो दूसरे महिला के साथ जुड़ा हुआ है। तो लगता है कि जो एक महिला की समस्या है वो पूरे देश की समस्या है, और सब मिलजुल करके यदि इस समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा तो इस समस्या को हल निकाला जा सकता है। तो यही सब कुछ बातें हैं जो मेरे जीवन की भी कहानी है। मैं भी पढ़ी, फिर महिला समाख्या में काम की, कई जगह कई जिला में जाके काम की, प्रतिदिन आज भी प्रतिदिन जूझना पड़ता है कोई कोई चीज से। जैसे मैं सिंदूर नहीं लगाती, लोग सवाल कर खड़ा कर देते हैं, जो बहुत ही साहसी लोग होते हैं वो सवाल करते हैं हमसे, या फिर हम चूड़ी मन नहीं पहनेंगे, एक हाथ में चूड़ी पहनेंगे, कभी एक हाथ में घड़ी लगाएंगे, तो इस तरह के सवाल भी जहाँ जाते हैं कुछ सवाल लोग कर देते हैं। तो अभी भी जो मतलब लोगों के बीच में है कि जो भेदभाव बना हुआ है महिलाओं के लिए, या महिला ऐसे नहीं कर सकती है, वैसे नहीं कर सकती है, बात नहीं। तो इतने दिन के जीवन में जो मुझे लगा कि जहां भी जेंडर की बात मुझे लग मने होता है, वो मेरे समझ में तुरंत आ जाता है कि यहाँ पर ये जेंडर है, चाहे बातचीत से हो, व्यवहार से हो। और कहीं कहीं तो लोग ये भी बोलते हैं कि ये मैंने पुरुषवादी सोच, ये पुरुषों के खिलाफ करती है, ये नारीवादी सोच की है, सिर्फ नारी महिलाओं की बात करती है। तो मैं महिला होकर महिला की बात ना करूं तो किसकी बात करूं। तो ये सबसे थोड़ा सा चलते रहता है, पर अंदर से ताकत भी मिलते रहती है। यदि मैं वहां तो बोल देती हूँ और बाद में हमको लगता है कि मैंने सही किया गलत किया, फिर चिंतन करते करते लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल सही किया, और वो लोग भी जो लोग सवाल करते हैं उन्हें भी लगता है। तो बहुत सोच समझ करके ही नोक लोग करते हैं। तो ये सब है, तो मेरे जीवन का भी यही कहानी है जो बहनों की कहानी है। और ये कहानी सुन करके और भी आज मैं ताकतवर हो गई कि नहीं, ये हमारी ही समस्या नहीं थी, अनेकों महिलाओं की ये समस्या है जिससे जूझती है महिलाएं। तो कुंदन जी, अब हमें विजेता कौन है थोड़ा आप शेयर कर लीजिए। तो यही तो सवाल है, जो इतना कठिन काम दिया गया है, किसी को ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन कम है, सब एक पर एक हैं। पर जिम्मेवारी जब दी गई है, और ये प्रतियोगिता का ये नियम भी होता है कि कैसे उसको नंबर में बांटा जाए, तो हमें लगता है कि जो जितने भी कहानी सुने हैं इसमें हम कई तरह के चीजों को रखे थे कि हम जो बात करेंगे इसमें कहानी का थीम फिर क्या है, कितने प्रभावी है, तरीका क्या है, भाषा क्या है, विराम से मतलब बहुत चीजों को जोड़ करके मैं इसको की थी। तो हमें लगता है कि जो उषा अग्रवाल जी जो हैं उनकी कहानी भी हमको अच्छी लगी है, और उनको मैं 3 नंबर पर रखी हूँ, तृतीय स्थान। और दूसरा की नगवा तवस्सुम, उनकी कहानी मुझे अच्छी लगी, ये 2 नंबर पर द्वितीय श्रेणी में। और रूबीना को मैं 1 नंबर पर रखी हूँ। ऐसे जितने भी बहने कहानी बताई हैं, हमें लगता है कि सब एक पर एक कहानी है, और सबको मैं सलाम करती हूँ। पर यही है कि रवीना और रूबीना हो गई 1 नंबर पर, नगमा तवस्सुम 2, और उषा अग्रवाल 3। धन्यवाद कुंदन जी। बहुत बहुत मुश्किल जो आपने फैसला लिया है, मैं बहुत आपका शुक्रिया करना चाहूंगी। तो अब हम इस कार्यक्रम के समापन पे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो रूबीना, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी कहानी को नंबर 1 की पोजीशन मिली है। फिर नगमा तबस्सुम को, उन्हें 2रा स्थान मिला है, और तीसरा उषा जी को जो 3रे स्थान पे। तो आप तीनों को हम सभी की तरफ से, सभी प्रतिभागियों की तरफ से, और एज ऑर्गेनाइजर भी हम लोग आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। पर मैं एक्चुअली ये कहना चाहूंगी
आम सभी महिलाएं जिन्होंने भी अपनी कहानी शेयर की है, मेरे लिए वो सभी बहुत बड़े विनर हैं। चाहे फिर कल्पना जी ने भी अपनी शेयर करी, कुंदन जी ने भी शेयर की, हमारे साथ सीमा जी है, नीतू है, ममलेश जी है, रेखा कुमारी जी है, आप सभी की कहानी मेरे लिए, मोना के लिए और साहस के लिए बहुत बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत मुश्किल है। तो तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि साहस के तौर पे सभी को ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा और मैं आप लोगों का अभिनंदन करती हूँ। इतनी ताकत के साथ, इतनी ओपननेस के साथ आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करी। तो वही बात है कि थोड़ा सा प्रतियोगिता इसलिए ऐसा करना पड़ता है, पर आप सभी के हौसले और हिम्मत को मेरा बहुत बहुत सलाम। मुझे आशा है कि बाकी जो किशोरियां और महिलाएं, जहां तक हमारी कोशिश है, हम आपकी कहानियां ले जाएंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इसके बाद यूट्यूब पे भी हम इसे शेयर करेंगे और हम जहां पर काम करते हैं वहां पर भी महिलाओं और किशोरियों को आपकी कहानी सुनाएंगे, ताकि वो भी इससे बहुत साहस लें और अपने जीवन में जेंडर के फर्क को हटा पाए। कुंदन जी का अगेन बहुत शुक्रिया। बहुत मुश्किल फैसला था सही में। इसके अलावा मैं ग्रामोन्नति संस्थान और कल्पना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उनके यहाँ से उन्होंने प्रतिभागी ना सिर्फ कहानी प्रतियोगिता के लिए भेजे बल्कि वीडियो कैंपेन के लिए भी भेजे। इसके अलावा आकांक्षा सेवा सदन से का, अलका जी का और वंदना जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे साथ वीडियो कैंपेन और कहानी प्रतियोगिता में सहयोग किया। तो इन दोनों संस्थाओं ने हमारे साथ बहुत मिलकर 1 मिलियन राइजिंग कैंपेन को सक्सेस कराया। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के बिना ये कार्यक्रम संभव ही नहीं था।